मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा के पूर्ववर्ती टेकल गुड़ेम और अन्य नक्सल प्रभावित गांव से आए युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से 47 बच्चे आए थे। इन क्षेत्रों के विकास के लिए हमने नियत नेलनार योजना लागू की है। इसके तहत हमारे सुरक्षा कैंप के आसपास के सभी गाँव में सरकार की हर सुविधा को पहुँचाने का काम किया जाएगा। स्कूल वहां पर हो, अस्पताल हो, आज आजादी के 75 साल में वहां पर स्कूल अस्पताल का भी अभाव है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको डबल इंजन की सरकार है, सब मिलके हम लोग ये सारी सुविधाओं को वहां तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बढ़ेगा, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा उनका। हाँ, आज बजट सत्र का समापन हुआ और लंबे समय तक ये सत्र चला, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सम्पन्न हुआ और आधे से ज्यादा नए सदस्य चुन के आए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार चुन के विधायक बन के आए हैं। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। हमारे आधे मंत्री भी नए थे, पहली बार विधायक बन के मंत्री के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति, प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मतलब कुल मिला के लगता ही नहीं था कि ये नया विधानसभा था जिसमें आधे से ज्यादा नए सदस्य थे। कुल मिला के बहुत अच्छा, और छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट। अब कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है, नैया में छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना सुरक्षा तो देखेंगे ही मुख्यमंत्री जी, आज और अपना अपना अच्छा अच्छा जगह जाके। मुख्यमंत्री जी, आपने सदन में